हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैस्मिक इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट्स लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूजन फ्रॉम दोस गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट आंसर फिल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली ब्लैंक भुवनेश्वर। टू करेक्ट आंसर है। फ्रॉम के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। सो करेक्ट आंसर इज टू। दिस ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी स्टूड एट द बैक ब्लैंक द बिल्डिंग ऑफ और ऑन। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑफ। ठीक है, हम कहाँ पे रहे थे? बैक ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बैक ऑफ द बिल्डिंग। सो बैक ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऑफ हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर एक पार्ट के दूसरे पार्ट को दिखाना है, तब हमें ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। जैसे ये बिल्डिंग एक पार्ट हो गया, ठीक है, और ये बैक मीन्स बिल्डिंग के पीछे वाले पार्ट। ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। बिल्डिंग के पीछे, ठीक है ना, ये बिल्डिंग एक पार्ट वन हो गया, इसी पार्ट के ये बिल्डिंग के एक पार्ट क्या है? बैक है। ठीक है ना, तो ऐसे पार्ट को दिखलाने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सो ऑफ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सी वेंट टू मुंबई ब्लैंक दिल्ली वर्सेस या बाया। सो बाया प्रीपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक जगह होकर दूसरे जगह जाते हैं। मुंबई गए, कहाँ से गए? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली होकर जब हम दूसरे प्लेस को जाते हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता, कहीं पर भी हम जाते हैं किसी प्लेस होकर, ऐसे केसेस में हम बाया प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सो बाया इज करेक्ट आंसर। सी वेंट टू मुंबई बाया दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोर इज ओपन डेली ब्लैंक मंडे टू फ्राइडे। ऑप्शन आर फॉर और फ्रॉम। करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रॉम होगा, क्योंकि ये फ्रॉम टू प्रीपोजिशन है। फ्रॉम के साथ टू के साथ ऑलवेज फ्रॉम आता है या फ्रॉम के साथ टू आता है। सो करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टुक माय हैट ब्लैंक द टेबल। ऑप्शन आर ऑफ ऑफ। सो जैसे कि मैंने बताया, ऑफ आपको किसी एक पार्ट के दूसरे पार्ट को दिखाना है, तो वहाँ पे हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑफ प्रीपोजिशन हम, ये डबल एफ वाला ऑफ प्रीपोजिशन हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को कहीं से हटाते हैं या किसी चीज़ को हम बंद करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंस में हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन करेक्ट है, क्योंकि मैंने मेरा हैट को क्या किया, उस टेबल से मैंने हटाया, ऑफ। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन करेक्ट है। नेक्स्ट, ही लुक्स ब्लैंक हिज ब्रदर। ठीक है, ऑप्शन आर डिस्पाइट लाइक। सो करेक्ट आंसर इज लाइक। ठीक है, लाइक यहाँ पर हम लाइक प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है, एडवर्ब के रूप में भी लाइक प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। ही और इसके ब्रदर के सिमिलैरिटी को दिखलाने के लिए हम लाइक प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। सो राइट, लाइक इज करेक्ट आंसर। ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर। द चिल्ड्रन रैन ब्लैंक द स्कूल। ऑफ और आउट, विच वन इज करेक्ट आंसर? आउट ऑफ। आउट ऑफ इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मोशन में होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ऐसे तो नहीं है कि आराम से आएंगे। बच्चे जब स्कूल में बेल लगते हैं तो उस क्षण दौड़ के एकदम मोशन में होते हैं, राइट? तो ऐसे चीज़ को दिखलाने के लिए हम आउट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ओपन द बॉक्स ब्लैंक अ स्क्रू ड्राइवर एट और विथ। विच वन इज द करेक्ट आंसर? विथ, क्योंकि जब भी कोई कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जा रहा हो, तब हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सो ही ओपन द बॉक्स विथ अ स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, मतलब स्क्रू ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट के साथ, औजार के साथ उसने उस बॉक्स को खोला। आई विल वॉक ब्लैंक 5 o'clock अप टिल अप। विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अनटिल अप। सो करेक्ट आंसर अनटिल है, अनटिल हम किसी एक
पार्टिकुलर पॉइंट तक को दिखलाने के लिए हम अनटिल प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक पॉइंट दिया गया है, 5 o'clock एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इस पॉइंट तक मैं काम करूँगा। तो ऐसे पॉइंट दिखाने के लिए हम अनटिल प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एंड वी वॉक ब्लैंक द रेस्टोरेंट डिस्पाइट पास्ट। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? पास्ट। पास एज अ प्रीपोजिशन भी यूज होता है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड। वी वॉकड ब्लैंक द रेस्टोरेंट, ऑप्शंस आर डिस्पाइट और पास्ट। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? पास्ट। पास्ट हम एज अ प्रीपोजिशन भी यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है, बिहाइंड। तो यहाँ पर बिहाइंड, सो हम रेस्टोरेंट के पीछे चले गए, ठीक है, या बिहाइंड द रेस्टोरेंट चले गए, ये सेंस के लिए हम पास्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट 3 o'clock वी रीच द टॉप ब्लैंक द हिल। सो विच वन इज करेक्ट प्रीपोजिशन? ऑफ और ऑफ। ऑफ तो हटाने के लिए, किसी भी चीज़ को कहीं से हटाने के लिए हम ऑफ का करते हैं, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये टॉप जो है, टॉप ये हिल के एक क्या है, पार्ट है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द हिल है। तो इस वजह से हम ऐसे पार्ट को दिखलाने के लिए, एक पार्ट के दूसरे पार्ट को दिखलाने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दैट इज वाई ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट 12 यू हैव डिलीवर्ड ऑल द पेपर्स ब्लैंक दिस वंस। ऑप्शंस आर बिटवीन बट। मैं चाहूँगा इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।